Good morning, students. Acids, bases and salts chapter we were discussing. Our today's topic is baking soda. Chemical name of baking soda is sodium hydrogen carbonate. Iska formula hai baking soda ka NaHCO3. Ise hum sodium bicarbonate bhi kehte hain. Now students, we will discuss preparation of sodium hydrogen carbonate. सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और वी कैन से बेकिंग सोडा कैसे प्रोड्यूस्ड होता है लार्ज स्केल में बाय रिएक्टिंग कोल्ड एंड कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड जिसे हम ब्राइन कहते हैं विद अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड. नाउ स्टूडेंट्स वी विल सी नाउ इक्वेशन NaCl प्लस NH3 प्लस H2O प्लस CO2 गिव्स NaHCO3 प्लस NH4Cl यानी कोल्ड एंड कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड रिएक्टेड विद अमोनिया कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर टू गिव सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड अमोनियम क्लोराइड. नाउ स्टूडेंट्स नेक्स्ट इज प्रॉपर्टीज ऑफ बेकिंग सोडा. सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कैसा दिखता है? व्हाइट क्रिस्टल्स की फॉर्म में होता है जो कि स्पेरिंगली सॉल्युबल होता है वाटर में. सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इट इज अ माइल्ड नॉन करोसिव बेस. जो सॉल्यूशन जो है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और बेकिंग सोडा का वाटर में इट इज माइल्डली एल्कलाइन इन नेचर. नाउ स्टूडेंट्स एक्शन ऑफ हीट. When solid sodium hydrogen carbonate, जब इसे हम हीट करते हैं तो it decomposes to give sodium carbonate with the evolution of carbon dioxide gas. Equation देखते हैं अब हम 2NaHCO3 जब इसे हमने हीट करा तो it gives Na2CO3 plus CO2 plus H2O. Since sodium hydrogen carbonate इट इवॉल्व कार्बन डाइऑक्साइड गैस ऑन हीटिंग तो हम इसे यूज करते हैं एज अ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ बेकिंग पाउडर टू एरेट द डफ. नाउ स्टूडेंट्स अब हम डिस्कस करते हैं यूजेस ऑफ बेकिंग सोडा और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट. सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कैसे यूज होता है? एज एन एंटीसिड इन मेडिसिन ताकि हम जब एसिडिटी हो जाती है जैसे हम बहुत ऑयली चीज खा लेते हैं तो हमारे स्टमक में एसिडिटी हो जाती है तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और बेकिंग सोडा इट इज यूज्ड एज एन एंटीसिड क्योंकि बेकिंग सोडा एक्ट करता है एज अ बेस और जब एसिडिटी हो जाती है तो एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं और न्यूट्रलाइजेशन हो जाती है. सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर हम बेकिंग सोडा को बेकिंग पाउडर बनाने के लिए भी यूज करते हैं. बेकिंग पाउडर एक मिक्सचर है बेकिंग सोडा और एडिबल एसिड जैसे टार्ट्रिक एसिड का. जब हम बेकिंग सोडा को मिक्स करते हैं पानी के साथ तो जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है या बेकिंग सोडा वो रिएक्ट करता है टार्ट्रिक एसिड के साथ और कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व होती है. NaHCO3 प्लस H पॉजिटिव गिव्स Na+ प्लस CO2 प्लस H2. तो जो हाइड्रोजन आयन्स हैं वो कहां से आए? फ्रॉम टार्ट्रिक एसिड. ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है ये ट्रैप्ड हो जाती है वेट डो में और धीरे धीरे बबल्स आउट होती है जिसकी वजह से जो केक या फिर ब्रेड है वो फूल जाता है और सॉफ्ट और स्पॉन्जी हो जाता है. नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन अराइज ये होता है कि अगर हम खाली बेकिंग सोडा यूज करें केक बनाने में बेकिंग पाउडर ना यूज करें तब क्या होगा? तो अगर हम खाली बेकिंग सोडा यूज करें केक बनाने में तो जो सोडियम कार्बोनेट जो डिकम्पोज हुआ था उसके बाद निकला था वो बिटर टेस्ट देगा केक को. तो एडवांटेज ये है बेकिंग पाउडर का कि जो उसमें टार्ट्रिक एसिड है वो रिएक्ट करेगा सोडियम कार्बोनेट के साथ और उसे न्यूट्रलाइज कर देगा यानी एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करके सॉल्ट बनाएंगे और न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगी.
सोडियम टार्ट्रेट सॉल्ट बन जाएगी और उसका प्लेजेंट टेस्ट होता है। तो जितनी देर तक बेकिंग पाउडर सूखा रहेगा, बेकिंग पाउडर एंड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड टार्ट्रिक एसिड जो कि प्रेजेंट है उसमें, वो आपस में रिएक्ट नहीं करेंगे। वो आपस में रिएक्ट तभी करेंगे जब वाटर की प्रेजेंस होगी। सो स्टूडेंट्स, दिस आर द प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ बेकिंग सोडा।